नमस्कार दोस्तों, वीडियो देखने से पहले चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी दबा लीजिए। लोकसभा चुनाव 2019 में इन 10 राज्यों की 20 सीटों पर रहेगी सबकी नजर। 01 वाराणसी उत्तर प्रदेश इस बार भी इस सीट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उम्मीदवार है। 02 अमेठी उत्तर प्रदेश इस बार भी कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी इस सीट से चुनाव लड़ेंगे। 03 रायबरेली उत्तर प्रदेश यूपीए की चेयरपर्सन सोनिया गांधी इस सीट से चुनाव लड़ेगी। 04 लखनऊ उत्तर प्रदेश लखनऊ बीजेपी की परंपरागत सीट मानी जाती है। इस सीट केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह इस बार भी चुनाव लड़ेंगे। 05 गोरखपुर उत्तर प्रदेश गोरखपुर सीट पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का प्रभाव बना रहता है। 06 छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश की छिंदवाड़ा सीट पर वर्तमान मुख्यमंत्री कमलनाथ का कब्जा रहा है। 07 गुना मध्य प्रदेश के संसदीय क्षेत्र गुना में सिंधिया परिवार का कब्जा रहा है। 08 इंदौर मध्य प्रदेश संसदीय क्षेत्र से 1989 से सुमित्रा महाजन यहां से विजयी होती आ रही है। 09 जयपुर ग्रामीण राजस्थान की राजधानी जयपुर की इस सीट पर मोदी कैबिनेट के मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर का कब्जा है। 10 जोधपुर राजस्थान के जोधपुर संसदीय क्षेत्र में अशोक गहलोत का दबदबा बना हुआ है। 11 सवाई माधोपुर राजस्थान राज्य के इस सीट पर वर्तमान उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट दबदबा है। 12 पटना साहिब बिहार की पटना साहिब सीट से बीजेपी के शत्रुघ्न सिन्हा सांसद हैं। 13 दरभंगा बिहार दरभंगा सीट पर मोर अली अशरफ फातमी का दबदबा रहा है। 14 मधेपुरा बिहार की मधेपुरा सीट पर बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव और शरद यादव पप्पू यादव जैसे नेता इस सीट से सांसद रह चुके हैं। वर्तमान में आरजेडी से राजेश रंजन पप्पू यादव इस सीट से सांसद हैं। 15 अमृतसर पंजाब की अमृतसर सीट पर पिछले लोकसभा चुनाव में कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अरुण जेटली को हराया। 16 गांधीनगर गुजरात राज्य में प्रधानमंत्री मोदी का ही दबदबा माना जाता है। 17 नागपुर महाराष्ट्र सीट पर संघ का असर देखने को मिलता है। ये केंद्रीय मंत्री और पूर्व भाजपा अध्यक्ष नितिन गडकरी का निर्वाचन क्षेत्र है। 18 रोहतक हरियाणा राज्य की रोहतक सीट पर हुड्डा परिवार का दबदबा बना रहा है। 19 पुरी ओडिशा ये सीट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चुनाव लड़ने की चर्चा है। 20 पत्तनमतिट्टा सबरीमाला केरल इस बार ये सीट बहुत अहम मानी जा रही है। सबरीमाला पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पूरे राज्य में विरोध हुए भाजपा उन्हीं का फायदा उठाने के प्रयास में।